हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ श्वेता। हमने स्टार्ट कर रखा था हमारा क्लास 8 के लिए चैप्टर जो है फर्स्ट क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। हम उसको कंटिन्यू करेंगे। तो जो हमारे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस थे उसमें थर्ड स्टेप है हमारा एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। उससे पहले हमने दो स्टेप्स पढ़े थे, क्रॉप्स क्या है, क्रॉप्स के जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं हमारी, उनकी वेराइटी, उनकी टाइप्स। तो जो हमारे दो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हमने पहले पढ़ी थी, फर्स्ट थी हमारी प्रिपरेशन ऑफ सॉयल, उसके इम्प्लीमेंट्स हमने पढ़े थे किसकी हेल्प से हम सॉयल को प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद हमने सोविंग पढ़ी थी कि हम बीज कैसे उगाएंगे और किस इम्प्लीमेंट की हेल्प से लगाएंगे, क्या उसका बेनिफिट है। तो उसके बाद जो हमारा थर्ड स्टेप है वो क्या है, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, यानी हम बीज लगाने के बाद का जो प्रोसेस है हमारा वो क्या है, हम मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को उसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। द क्रॉप प्लांट्स नीड अ नंबर ऑफ मिनरल एलिमेंट्स फॉर देयर ग्रोथ विच दे गेट फ्रॉम द सोइल थ्रू देयर रूट्स। यानी अब जो क्रॉप्स हैं, बीज लगने के बाद क्या होगा, जो क्रॉप के जो प्लांट्स निकलेंगे उनको कहाँ से, मतलब जो भी न्यूट्रिएंट्स है कहाँ से मिलेंगे, वो उन्हें उनकी रूट से मिलेंगे। तो हमें क्या करना है, उसमें मैन्योरिंग करनी, यानी जो सॉयल है हमारी वो कैसे होनी चाहिए, न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए उसके अंदर, ठीक है। तो जो प्लांट्स के अंदर जो डेफिशिएंसी हो जाती है न्यूट्रिएंट्स की, और जो ऑर्गेनिक मैटर जो सॉयल के अंदर वो कहाँ से बनते हैं, हम उसके अंदर मैन्योर्स को और फर्टिलाइजर्स को ऐड करते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं मैन्योर्स के बारे में पहले। मैन्योर क्या है, मैन्योर एक नेचुरल फर्टिलाइजर है, नेचुरल फर्टिलाइजर है यानी ये एक ऑर्गेनिक मटेरियल है, ठीक है। इसमें क्या होगा, मैन्योर एक नेचुरल सब्सटेंस है जो कैसे डिकम्पोज होता है, कोई भी आपके आसपास आप देखते हैं एनिमल वेस्ट है, जैसे कि काउ डंग हमारा ह्यूमन वेस्ट है, जो पेड़ के पत्ते हैं, प्लांट रेजिड्यूज, टूटी सूखी डालियां टहनियां जो भी हैं, उन सबको वो क्या सॉइल को क्या प्रोवाइड करती हैं, ह्यूमस प्रोवाइड करती है, ठीक है। और सॉइल में ह्यूमस होगी तो क्या होगी, सॉइल हमारी ज्यादा फर्टाइल होगी। तो हम क्या करते हैं, एक प्रोसेस क्या है उसको डिकम्पोज करने का, कोई भी गड्ढा खोद के उसके अंदर हम जो भी हमारा किचन का वेस्ट होता है, जो भी सब्जी वगैरह के छिलके हुए, जो पत्ती वगैरह हुई, मतलब जो भी चीज ऐसी एक्स्ट्रा है किचन की, जो एनिमल वेस्ट है, ह्यूमन वेस्ट है, प्लांट रेजिड्यूज जो भी है, सूखे पत्ते टहनी डालियां जो भी है, उसको हम क्या करते हैं, उस गड्ढे के अंदर भर के उसको बंद कर देते हैं। तो आफ्टर सम टाइम क्या होगा, उसमें टाइम ज्यादा लगता है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है मैन्योर्स का। उसमें क्या होगा कि ये जो है धीरे धीरे जो भी हमारे रेजिड्यूज थे ये सभी क्या होंगे, डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाएंगे मिट्टी के साथ, ठीक है। और फिर हमारी जो क्या है, मैन्योर प्रिपेयर होती है, जिसको हम हमारी सॉइल को फर्टाइल करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो मैन्योर्स आर प्रिपेयर्ड, कैसे प्रिपेयर होगी, फ्रॉम एनिमल वेस्ट, ह्यूमन वेस्ट एंड प्लांट रेजिड्यू बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमें कहाँ मिलते हैं, मिट्टी के अंदर, जो इस वेस्ट है हमारा इसको डिकम्पोज करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। इन ऑर्डर टू प्रिपेयर मैन्योर, फार्मर्स डंप एनिमल वेस्ट एंड प्लांट वेस्ट, जो हमने अभी पढ़ा, वो क्या करते हैं, किसी भी ओपन प्लेस में कोई भी पिट यानी गड्ढा खोद के उसके अंदर हम क्या करते हैं, उसको डाल देते हैं, अलाउ इट डिकम्पोज स्लोली, धीरे धीरे उसको खत्म होने देते हैं, डिकम्पोज होने देते हैं, ठीक है। और ये डिकम्पोजिशन का प्रोसेस होता है किसकी हेल्प से, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से। तो जो डिकम्पोज एनिमल और प्लांट मैटर जिसको हम कैसे यूज करेंगे, एज ए ऑर्गेनिक मैन्योर। ये है ऐसी मैन्योर जो प्लांट्स के लिए, क्रॉप्स के लिए नुकसान नहीं करती, ठीक है। मैन्योर्स के अंदर होता क्या है, मैन्योर्स कंटेन ए मिक्सचर ऑफ वेरियस न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स एंड ए लॉट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, यानी ह्यूमस होती है, जो क्या होगा, रिसाइकलिंग होती रहती है। प्लांट और एनिमल वेस्ट हम डालते रहेंगे, वो धीरे धीरे मैन्योर्स क्या होगी, डिकम्पोज होते रहेंगे ये वेस्ट, और धीरे धीरे क्या होगा, मैन्योर्स बन जाएंगी। जो हमारी मैन्योर है, जो हमारी खाद है, ये एक ऑर्गेनिक प्रोसेसर है, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, मतलब कोई भी हम यूँ नहीं कह सकते कि ये स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स हैं। अभी हम फर्टिलाइजर पढ़ेंगे तो उसमें आप समझोगे इस बात को अलग से, कि मैन्योर के अंदर जितने भी प्लांट्स न्यूट्रिएंट हैं, मतलब न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे लेकिन नॉट वेरी रिच, यानी इतने नहीं कि खाली अगर आपने मैन्योरिंग कर दी खेत के अंदर और आपको हाई यील्ड की मिल जाएगी, ठीक है। तो जैसे कि इसने कुछ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स के नाम बताए, जैसे एनपीके, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, एनपीके यानी एन फॉर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड के फॉर पोटेशियम,
लेकिन ये क्या होते हैं, दे आर रिच इन ऑर्गेनिक केमिकल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लेकिन इसमें ह्यूमस बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, जो गीलापन है वो इसके अंदर बहुत ज्यादा मिलता है। दस मैन्योर्स प्रोवाइड अ लॉट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक ह्यूमस टू द सॉइल, ये सॉइल को ह्यूमस बहुत अच्छे से प्रोवाइड करती है, और यही ह्यूमस जो है क्या इम्प्रूव करती है, सॉइल की जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज है उसको इम्प्रूव करती है, यानी उसका जो टेक्सचर है सॉइल का वो इस तरह से इम्प्रूव कर देता है कि वो जो वाटर को अपने अंदर होल्ड करने की कैपेसिटी है वो बहुत अच्छी हो जाती है मिट्टी की, और जो एरेशन पावर होते हैं यानी कि ऐसे जो पोरस होते हैं ना कि एयर को अपने अंदर होल्ड कर सके, इस टाइप से यानी सॉइल के जो टेक्सचर होगा कैसे इम्प्रूव हो जाएगा मैन्योर से, उसके जो वाटर की रिटेंशियल प्रॉपर्टी है वो अच्छी होगी और एरेशन अच्छा होगा, ठीक है। और एरेशन अच्छा होगा तो क्या होगा, रूट्स को अच्छे से न्यूट्रिएंट्स मिल सके, अपने अंदर जो वाटर और एयर है सॉइल का वो ज्यादा होल्ड कर सकता है, ठीक है। यहाँ लिखा गया जैसे मैन्योर मेक्स अप द जनरल डेफिशिएंसी ऑफ द न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल, कोई भी मैन्योर है वो क्या होगी, बल्कि होगी, मतलब हैवी होगी, कहने का मतलब ये है कि कोई भी मैन्योर न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक नहीं होगी, यानी अगर आप चाहते हैं कि जैसे वीट की खेती है हमारे, गेहूं की खेती है, गेहूं को स्पेशल क्या चाहिए, गेहूं के लिए स्पेशल नाइट्रोजन चाहिए, लेकिन हम कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर यूज करेंगे तो केमिकल फर्टिलाइजर क्या होते हैं, फैक्ट्री में बनते हैं, तो उसमें आप जाके स्पेशल ये कह सकते हैं कि हमें नाइट्रोजन फर्टिलाइजर चाहिए, ठीक है, तो वो हम स्पेशल वीट को दे सकते हैं, लेकिन मैन्योर्स कोई भी न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक नहीं है, उसके अंदर नाइट्रोजन भी होगा, थोड़ा फॉस्फोरस भी होगा, पोटेशियम भी होगा, सल्फेट भी होगा, ठीक है, तो ये सभी चीजें मिक्स होंगी, तो कोई भी अगर आप फसल लगा रहे हो मैन्योरिंग कर रहे हो तो उसमें ये चीज फिक्स नहीं है कि आपने उसको स्पेशल जो उसको चाहिए वो चीज उसको मिलगी, इसलिए ये पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट नहीं है तो ये ज्यादा हेल्पफुल नहीं होगी, ठीक है। एक केमिकल फर्टिलाइजर अदर हैंड हम क्या कह सकते हैं कि जो केमिकल फर्टिलाइजर है वो न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक है, जैसा मैंने अभी आपको थोड़ा बताया कि मैन्योर्स आर नॉट एबल टू सप्लाई द रिक्वायर्ड क्वांटिटीज, यानी जो एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स हैं नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम एक्सेट्रा जो भी, वो सभी मैन्योर्स प्रोवाइड नहीं कर सकते, उसके लिए हमें केमिकल फर्टिलाइजर्स की जरूरत पड़ती है, इसीलिए दे आर सप्लीमेंटेड विद केमिकल, यानी हमें साथ साथ क्या करना होता है, कुछ ना कुछ केमिकल फर्टिलाइजर्स डालने होंगे। ए केमिकल फर्टिलाइजर इज ए साल्ट और एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग द नेसेसरी प्लांट न्यूट्रिएंट्स, यानी प्लांट्स को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो सभी एसेंशियल प्रॉपर्टीज किसके अंदर होती है, केमिकल फर्टिलाइजर्स के अंदर होती है, जिसे हमारे हमने अभी पढ़ लिया, यही जो न्यूट्रिएंट्स हैं स्पेशल नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम, ये क्या करते हैं सॉइल को ज्यादा फर्टाइल बनाते हैं, ठीक है। तो एक केमिकल फर्टिलाइजर इज रिच इन अ पर्टिकुलर प्लांट न्यूट्रिएंट, यानी ये पर्टिकुलर है, किसी पर्टिकुलर क्रॉप को अगर नाइट्रोजन चाहिए तो हम नाइट्रोजन ही देंगे उसमें, फॉस्फोरस चाहिए तो हम फॉस्फोरस ही डालेंगे, ठीक है। और कुछ और एग्जाम्पल्स हैं फर्टिलाइजर्स के, जैसे यूरिया है, अमोनियम है, सल्फेट है, सुपर फॉस्फेट, पोटैश और एनपीके, जो सबसे कॉमनली यूज है, मैं आपको नीचे डायग्राम दिखाती हूँ, ये देखिए जो सबसे कॉमनली यूज है वो है हमारा एनपीके, ठीक है, जिसके अंदर कंप्लीटली न्यूट्रिएंट्स स्पेसिफिक जो भी होंगे हमें अलग से मिल जाएंगे। तो केमिकल फर्टिलाइजर्स क्या है, हमारे न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक हैं, तो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैव प्लांट न्यूट्रिएंट्स इन ए कंसंट्रेटेड फॉर्म, सो दे प्रोवाइड क्विक रिप्लेनिशमेंट ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल एंड रिस्टोर इट्स फर्टिलिटी, ये क्या करता है, सॉइल की फर्टिलिटी को रिस्टोर करता है, यानी जो सॉइल है अगर हम कोई प्लांट लगा के अगर उसमें सिर्फ मैन्योरिंग करेंगे तो खाली मैन्योरिंग से क्या होगा, जो ऑर्गेनिक मैटर हम डाल रहे हैं उस मैन्योरिंग में क्या होगा, केवल जो प्लांट की ग्रोथ होगी वो एवरेज होगी, लेकिन अगर आप कोई स्पेशल न्यूट्रिएंट्स डाल रहे हैं, जैसे कोई स्पेशल फर्टिलाइजर हम दे रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइजर जो यूज करेंगे उसमें क्या होगी, हमें हाई यील्ड वेराइटी की जो क्रॉप्स है वो मिलेगी, ठीक है, और उसकी ग्रोथ है वो अच्छी होगी। मैन्योरिंग और इसमें डिफरेंस क्या है, मैन्योरिंग का जो प्रोसेस है वो बहुत ही स्लो है डिकम्पोज होने का, और जो क्विक रिस्पॉन्स हमें मिलता है वो हमें किससे मिलता है, हमारे केमिकल फर्टिलाइजर से, ये इजीली वाटर सोल्यूबल है, जिस आप क्या करेंगे, वाटर सोल्यूबल होंगे तो क्या होंगे, इनकी हाई सोल्यूबिलिटी है, तो वाटर में जब हम इसको मिला के स्प्रे वगैरह के थ्रू हम इसको डालेंगे खेत में तो क्या होगा, ये इजीली जो रूट्स हैं एब्जॉर्ब कर लेंगे, जो प्लांट रूट्स हैं हमारे जो क्रॉप्स के वो क्या करेंगे, इसको इजीली एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो केमिकल फर्टिलाइजर्स बनते कहाँ हैं, फैक्ट्रीज में बनते हैं, इनका
ट्रांसपोर्ट करना इजी होता है, हम इजीली इनको स्टोर कर सकते हैं बिकॉज दे कम इन बैग्स। जैसे कि आप फिगर 10 में देख पा रहे हो किस में आते हैं, ये बैग्स में आते हैं। ठीक है, उसके बाद है कुछ इसके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या है। अब किसी भी चीज को अगर हम एक्सेस में यूज करते हैं तो कुछ ना कुछ उस चीज का नुकसान होता है। मान रहे हो ना इस बात को, तो कि किसी भी चीज को अगर हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए एक बैग, अगर आप उसको डबल कर देते हो तो वही जो चीज यूजफुल हो रही थी वही उस क्रॉप के लिए क्या हो जाएगी, अब हार्मफुल हो जाएगी। तो देखिए फर्स्ट हार्मफुल इफेक्ट्स क्या हो सकता है उसका, द एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स चेंजेस द केमिकल नेचर, जो नेचर है हमारे सॉइल का वो चेंज हो जाएगा और वो सॉइल को क्या कर देगा, लेस फर्टाइल, यानी जो उसका उपजाऊपन है वो कम हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्या हो सकता है, जो फर्टिलाइजर्स का अगर हम यूज एक्सेस में करेंगे तो वाटर पोल्यूशन हो सकता है। जैसे कि जब भी बारिश आएगी, आसपास कोई पॉन्ड है, लेक है, रिवर है, तो वो क्या होगा, पानी के थ्रू जो फर्टिलाइजर्स थे हमारे, अगर वो एक्सेस है, जो रिक्वायरमेंट है वो तो क्या होगा, प्लांट एब्जॉर्ब कर लेगा, लेकिन अगर वो एक्सेस है तो वो वाटर के थ्रू बह के हमारे जो भी वाटर के एरियाज हैं उनमें चले जाएंगे और उस वाटर को क्या कर सकते हैं, पोल्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक एक्टिविटी है जिसके थ्रू हम ये देख सकते हैं कि मैन्योर और फर्टिलाइजर का अगर हम यूज कर रहे हैं तो प्लांट के ग्रोथ में क्या इफेक्ट होगा। आपके सामने तीन पॉट्स रखे हैं, तीन फ्लावर पॉट है, ए बी एंड सी। सेम टाइप की हम सॉयल लेंगे तीनों के अंदर, सेम क्वांटिटी के अंदर हम बीज लेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ सीडलिंग लिए, हमने मूंग की या फिर ग्राम की, किसी की भी, कोई सी भी एक दाल की ले लेंगे, तो हम क्या करेंगे, हमने इक्वल क्वांटिटी के अंदर वो डाल दिया, तीनों को धूप में रखेंगे, इक्वल पानी देंगे, लेकिन ऐड क्या करेंगे, इसमें हमने सिर्फ मिट्टी डाल दी है, सेकंड में हम क्या करेंगे, सॉयल के साथ हमने मैन्योर को ऐड कर दिया, और थर्ड में हमने ऐड किया है किसको, फर्टिलाइजर को। आफ्टर 7 to 10 days हम क्या देखेंगे, जो सीडलिंग प्लांट्स थे वो ऑर्डिनरी सॉयल में कितनी होगी, उसकी ग्रोथ होगी केवल मिनिमम ग्रोथ है ना। बी में पॉट ए से अच्छी ग्रोथ है, लेकिन जो सी है उसकी ग्रोथ क्या होगी, मैक्सिमम ग्रोथ होगी और फास्टेस्ट हुई है। तो सेम यही एक्सपेरिमेंट हम हमारे फील्ड में करते हैं, खेत में करते हैं। मैन्योरिंग करोगे खाली तो आपकी एवरेज ग्रोथ होगी क्रॉप प्लांट की, और अगर हम फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं तो जल्दी भी ग्रोथ होती है और क्या होती है, हाई भी होती है। ठीक है, तो कुछ डिफरेंस है मैन्योर और फर्टिलाइजर की हम देखते हैं। मैन्योर क्या है, मैन्योर एक नेचुरल सब्सटेंस है जो हमें कहाँ से मिलता है, बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल वेस्ट एंड प्लांट रेजिड्यूज। एनिमल वेस्ट यानी कि काउ डंग, ह्यूमन वेस्ट और प्लांट रेजिड्यूज, इन सभी को डिकम्पोज करके हमें क्या मिलता है, मैन्योर मिलता है। मैन्योर इज नॉट वेरी रिच इन इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। अभी हमने पढ़ा कि मैन्योर जो है वो स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट नहीं है, ये ज्यादा रिच नहीं है, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स की प्लांट्स के लिए। हमने अभी एक्टिविटी के अंदर भी इसके ग्रोथ को मेजर किया है, मैन्योरिंग करेंगे तो ग्रोथ एवरेज होगी। तो थर्ड स्टेप है हमारा, ए मैन्योर प्रोवाइड्स ए लॉट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक ह्यूमस टू द सॉइल। हाँ, ये सोयल में ह्यूमस ज्यादा प्रोवाइड करती है एज कंपेयर टू फर्टिलाइजर्स। फोर्थ स्टेप में क्या है, एक मैन्योर जो है एब्जॉर्ब करती है धीरे धीरे प्रोसेस, जो भी प्लांट है वो क्या करेगा, धीरे धीरे एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि ये पानी के अंदर ज्यादा सोल्यूबल नहीं है। तो अगर हमने इरिगेशन प्रोसेस कर रखा है, पानी दिया है, तो फर्टिलाइजर जो है वो वाटर सोल्यूबल है, तो वो इजीली सोल्यूबल होकर प्लांट की रूट तक पहुंच जाता है बजाय की मैन्योर। तो मैन्योर क्या है, नॉट मच सोल्यूबल इन वाटर, इसीलिए इसका जो प्रोसेस है वो क्या है, स्लो है। हमारा लास्ट डिफरेंस क्या है, मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड्स। मैन्योर को हम कहाँ प्रिपेयर करते हैं, फील्ड्स के अंदर। और फर्टिलाइजर हम देखें तो फर्टिलाइजर क्या है, एक साल्ट और एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिसको हम कहाँ प्रिपेयर करते हैं, फर्टिलाइजर्स आर प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। और ये क्या होते हैं, रिच होते हैं किसी भी प्लांट के लिए, जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो बहुत हाई होते हैं, स्पेशली एनपीके जो हम पढ़ चुके हैं। फर्टिलाइजर प्रोवाइड नहीं करता ह्यूमस सॉइल को, सॉइल को ह्यूमस कौन प्रोवाइड करता है, मैन्योर करता है। और ये क्या होते हैं, हाईली वाटर सोल्यूबल होते हैं, इसीलिए जो फास्टर प्रोसेस होगा हमें वो कहाँ मिलेगा, वाटर जो एब्जॉर्ब करेंगे प्लांट्स वो मिलेंगे फर्टिलाइजर में। तो ओवरऑल अगर हम देखते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है, फर्टिलाइजर इज बेटर देन मैन्योर। तो ये हमारा थर्ड स्टेप था।
एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का। यहाँ तक हमारा 3 स्टेप्स कंप्लीट हो गए हैं। थैंक यू।